सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल FK मोटर व्लॉग्स। तो आज का वीडियो भी कार के ऊपर ही होने वाला है। मैंने अभी थोड़ा मोटर व्लॉगिंग को थोड़ा साइड में रख दिया है। तो आज मैं अपने कार में LED स्ट्रिप लगाने वाला हूँ अंडर डैशबोर्ड के नीचे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नीचे लाइट जलती रहती है रात के टाइम पे काफ़ी सारी गाड़ियों में, तो मैं आज वो डालने वाला हूँ अपनी गाड़ी में और खुद ही वायरिंग करने वाला हूँ। जो भी रहेगा मैं इजीली जो भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करते हैं। तो पहले इसको खोल लेते हैं। ये लाइट है इसके बॉक्स में, इसमें अलग अलग मोड है, अलग अलग कलर है, जो भी है मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद एक रिमोट भी आता है, नॉर्मल बिल है मेरा। इसका काम खत्म, इसको नीचे डाल देंगे और इसको खोलेंगे। बेसिकली ये इसका रिमोट है जो लाइट अगर आपने को मोड चेंज करना है, कलर चेंज करना है उसके लिए है। और ये लाइट है और ये इसका कुछ कंट्रोलर है, RF कंट्रोलर जो रिमोट से कंट्रोल होगा। और ये इजी है, इसके अंदर इसको डाल के डायरेक्ट इसके अंदर डाल देने का। पहले मैं आपको नॉर्मली चालू करके बता देता हूँ कैसा दिख रहा है ये। अगर जो कार का लाइटर वाला होता है उसको निकाल लेने का नॉर्मल, फिर गाड़ी को चालू कर लेने का। मैं इसको इसके अंदर डालूंगा। जैसे गाइस मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है, लाइटर वाले के अंदर डाल दिया है, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। सो अभी इसका सिंगल कलर है, अभी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ग्रीन ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वाइट, ये वाइट हो गया। तो अभी पहले मैं इसको वायरिंग कर लेता हूँ कैसे। मेरा दो इधर लगेंगे और दो पीछे लगेंगे, पहले मैं इसको स्टिक कर लेता हूँ। उसके बाद ये म्यूजिक में भी कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल होता है वो मैं आपको बताऊँगा। सो गाइस अभी इसका फिटिंग चालू है, जो कि मेरा ये जो मोटर था मैंने इधर पे लगा दिया। इधर पे एक कैप टाइप में होता है, मैंने उसको निकाल के इधर से वायरिंग करके इसको इधर अटका दिया हूँ। और इसके अंदर से मैंने फर्स्ट वाला अपना स्ट्रिप ले लिया और मैं इसके नीचे चिपकाने वाला हूँ इधर पे, फिर ऐसा ही मैं चालू करने वाला हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं इसके पीछे का प्लास्टिक निकाल दूंगा, ये ऐसे ही आता है, इस डायरेक्ट स्टिक हो जाता है। तो मैं इसको इधर पे चिपका लेता हूँ, एकदम सेंटर में लगाऊंगा, ये लग गया। और इसका जो एक्स्ट्रा वायर है मैं इधर से इसके पीछे से इसके अंदर डाल दूंगा और इधर पे एक टेप लगा दूंगा ताकि मैं गाड़ी चलाते समय मेरे पैर के नीचे कोई वायर वगैरह ना आए, तो इसको इधर स्टिक कर दूंगा। सो गाइस जैसे कि उस साइड का हो गया है, अब मैं इस साइड कर रहा हूँ, साइड पहले इसको निकाल लूँगा। मैं एकदम सेंटर में इसको स्टिक कर दूंगा। और जो एक्स्ट्रा वायर है अगेन मैं इसको अंदर अंदर डाल दूंगा। उधर पे एक टेप लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में लगाऊंगा। सो गाइस अभी मैं पिछवाड़ी सीट पे पहुंच चुका हूँ, तो मेरा जो भी एक्स्ट्रा वायरिंग है इसका मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ और इसको मैं इधर लगाने वाला हूँ। तो इससे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा वायरिंग अंदर डाला, तो अगर सीट आगे पीछे लेंगे तो वायरिंग खींचेगी नहीं। थोड़ा पीछे लो, आगे लो, तो ऐसा अगर आगे पीछे सीट होएगी तो वायरिंग उतना मैंने छोड़ा है ताकि आगे पीछे हो जाए इजीली, वायरिंग खींचे ना। तो सबसे पहले इसको चिपका लेता हूँ। सो गाइस अभी मैं इसको पीछे की सीट पे चिपकाने वाला हूँ, तो मैं इसको इधर पे सेंटर में करूँगा। थोड़ा क्रॉस लग गए हैं, तो मैंने इसको इधर चिपका दिया है। अभी मैं आपको सीट आगे पीछे करके बताता हूँ। सो गाइस मेरी गाड़ी का लाइटिंग का काम हो चुका है। जैसे अगर मैं अभी इधर से हेलो भी बोलूँगा जोर से तो भी गाड़ी का लाइट जलेगा। हेलो ऐसा, अभी मैं आपको गाना बजा के बताता हूँ। अब ये म्यूजिक पे मैंने रखा हुआ हूँ।
सो गाइस अभी रात हो चुकी है, मैं अपनी गाड़ी लेके आ चुका हूँ ऊपर अपने पार्किंग के, तो अभी मैं इसके अंदर गाना बजाऊंगा। सो गाइस अभी मैं इसका ये मोड चेंज कर रहा हूँ, म्यूजिक से हटा के इसको नॉर्मल रेड पे डाल रहा हूँ। ये इसका हो गया नॉर्मल रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट, ऑरेंज, येलो। सो गाइस अभी मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, ये मैं ऑफ किया, अब इसको ऑन करता हूँ। इसके बाद मैं रेड पे जाता हूँ, इधर पे ऑप्शन है ब्राइटनेस फास्ट करने का, देखो अब धीरे धीरे ब्राइटनेस फास्ट हो गई है, इसको लो करने का, अब मैं लो कर रहा हूँ ब्राइटनेस, ये लो हो गया। अब फास्ट करता हूँ, ब्राइटनेस फास्ट हो गई। तो इसको आप ब्राइटनेस भी इसके सेट कर सकते हो, आपको कैसा चाहिए, एकदम मीडियम में चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कैसा चाहिए आपके मूड के हिसाब से। सो गाइस मैं 2-3 दिन बाद इसका ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उस टाइम पे ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, उसके बाद मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो मैं आज इसका ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट का प्राइस था ये 450 रुपये इसका प्राइस था, मैंने अमेजोन से मंगाया था, उसका लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बहुत ईजी है इसको फिट करना, अगर मैं यही चीज़ बाहर से लेने जाता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग कितना 1000-1200 रुपये ले लेते हैं, इतना कोई वर्थ नहीं है। आप खुद भी कर सकते हो, तो ऑनलाइन मंगा लेने का फिर खुद कर लेने का। तो अगर आप लोग को इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना होगा तो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज वगैरह डाला है, मेरा नाम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी आ रहा होगा, आप मुझे फॉलो कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।